कि वो वैसी जी को आप ही ने फील्ड किया है क्या? वो बार बार पूछते हैं, वो कहते हैं कि अब वो कह रहे हैं कि हिजाबी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बार बार जो जो पोलराइजेशन का एजेंडा है, ये सबका आरोप होता है, एसपी का, उनका, कि बीजेपी ने उनको। श्रीमान ओवैसी से मैं केवल एक बात कहूंगा, बेटियों के स्वावलंबन की बात करना अच्छी बात है, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना अच्छी बात है, लेकिन उनको उतनी स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। तीन तलाक के खिलाफ जो कानून भारत के अंदर बना है, इनको उसका समर्थन करना चाहिए और बेटियां हर एक फील्ड में जाएं, आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं, हम लोगों ने इस प्रकार के अवसर दिए भी हैं, लेकिन इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा इस देश का वह कठमुल्लापन है जिसका समर्थन ओवैसी जैसे लोग करते हैं। क्या है कठमुल्लापन? यही है। अब सर, जो आधी आबादी को शिमोगा, मांड्या, बच्चियों को पेरेंट्स घर से वापस, स्कूल से वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिजाब नहीं तो एग्जाम नहीं, ठीक है हम ले जा रहे हैं वापस, तो ये नुकसान किसका होगा? बच्चों का होगा ना? मैं ये कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि क्या इन बेटियों को स्वाधीनता के साथ जीने और आधी आबादी को आप उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे? क्या आप तालिबानीकरण करना चाहते हैं पूरे देश का? और आपको अगर इन सब चीजों के बारे में चर्चा करनी है, क्यों नहीं आप जो है अफगानिस्तान में आवाज उठाते हैं, बोलो ना वहां पे भी। ये तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार की तालिबानीकरण का समर्थन करना है और ये निस्वीकार हो सकता है। अब जरा सा मैं अगले मुद्दे पर बढ़ना चाह रही हूं। पंजाब में यूपी के भाइयों का, इसीलिए मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट निकाल रही थी ताकि उसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जो उन्होंने एग्जैक्ट कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि भाइयों को मतलब यहां पर घुसने नहीं देना है, और फिर वो कहते हैं पंजाबियों एक हो जाओ। अब इसको बीजेपी बार बार कह रही है कि यूपी बिहार वालों का अपमान हो गया। वो कह रहे हैं कि हमने केजरीवाल के कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि ये चन्नी साहब का, पंजाब के मुख्यमंत्री, और प्रियंका जी वहां पर मौजूद थी। देखिए, गांधी यानी ये जो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर लोगों ने देश के अंदर जनता के साथ जो धोखा किया है, कांग्रेस ने लगातार किया है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी इन्होंने नहीं बख्शा। गांधी जी के विचारों की हत्या इन्होंने की है, और कांग्रेस ने देश को जितना जख्म दिए हैं, इतने जख्म दिए हैं कि देश कांग्रेस को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, आतंकवाद का, अलगाववाद का, नक्सलवाद का, ये सब कांग्रेस के ही द्वारा दिए गए जख्म है, और कांग्रेस आज अपने पुराने किए का कर्म फल पा रही है। उसने देश के साथ जो किया, आज देश रिटर्न में उसको वही दे रहा है। श्रीमान चन्नी कल वाराणसी भी आए थे, कल संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पावन जयंती थी। कुछ भी प्रेरणा लिए होते सदगुरु रविदास जी महाराज से तो इस प्रकार के नकारात्मक बयान देने से बचते। वोट बैंक की खातिर आप देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, वोट बैंक की खातिर आप राष्ट्र की एकता को ध्वस्त करना चाहते हैं, वोट बैंक की खातिर इन्होंने आतंकवाद की आग में देश को झोंका था, लेकिन ये देश कांग्रेस के इस प्रकार के बयानों को कतई स्वीकार नहीं करेगा और कतई नहीं स्वीकार करता है। वो कह रहे हैं कि हमने यूपी बिहार के लोगों का अपमान नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है इनकी मंशा क्या है। ये तो राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ रही है सर, वो क्यों राहुल ऐसी बात पे ताली बजाएंगे? राहुल गांधी भी तो यही करते हैं, यूपी में आके कुछ और बोलते हैं, केरल में जाके कुछ और बोलते हैं, भारत के बाहर जाके कुछ और बोलते हैं। ये सब बहुरूपिया ब्रांड है, सब नमूने हैं, ये भारतीय राजनीति के नमूने। इनकी बातचीत में कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये राजनीति को इन्होंने विश्वसनीय बनने नहीं दिया। इनके वक्तव्य रोज बदलते हैं, इसलिए उनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। एक विवाद उठा आपके राजपूत होने पर, गर्व करने पर। तो क्या कुछ क्या बुराई है इसमें? क्या किसी जाति में जन्म लेना बुरा है क्या? ये कोई बुरा नहीं है। मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, इसमें कौन बुरी बात है? मैंने उसके बाद संन्यास लिया है, एक योगी के रूप में लोक कल्याण के कार्यों में लगा हुआ हूं,
और सच्चा क्षत्रिय तो वही है जो छत्र बन करके गरीब दीन दुखियों की रक्षा के लिए अपने आप को होम कर ले। इसमें बुरा क्या है? वो कहते हैं कि आप अपनी जातिवाद को फैला बढ़ा रहे हैं। मैं जातिवाद नहीं बढ़ा रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा है, मैं तो हमेशा अपने को योगी आदित्यनाथ लिखता हूं, मैं तो कुछ भी अपनी जाति का टाइटल भी नहीं लिखता, मुझे तो योगी आदित्यनाथ के नाम पे ही लोग संबोधित करते हैं। लेकिन उस कुत्सित मानसिकता, उस निकृष्ट मानसिकता को आप देख सकते हैं जो मुझे जाति नाम से संबोधित करते हैं। हाँ, वो आपका पूरा नाम बोलते हैं, अजय सिंह बिष्ट। बोले ना, क्या दिक्कत आ रही है? अजय सिंह बिष्ट मेरा नाम था, कौन बुरी बात है? संन्यास लेने के बाद मेरा नाम, मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त नाम मेरे पास आया। लेकिन मुझे गर्व होता है इस बात पर कि मैं एक उत्तम कुल में पैदा हुआ हूं और मुझे अपने समाज और अपने देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ।